आज हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में। सो डिसलोकेशन तब कहा जाता है जब बोन अपने जॉइंट से डिसप्लेस हो जाते हैं। ओके सो हमने बोन के सर्फेसेस अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इधर ये अगर एक लॉन्ग बोन का हम एपिफाइसिस देखें तो वहाँ पे ये जो है दिस इज़ दी आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ओके सो ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज ये जॉइंट जो है ये बोन्स को एक प्लेस में या मतलब यहाँ अगर दूसरे बोन होंगे तो ये इस तरीके से आके जॉइन होगा। ओके सो देयर इज़ वन बोन। If there are two bones, if we are talking about a location where there is two bone, so if there is one bone and the another bone, so one bone, it's articulating cartilage, the other bone, that bone's articulating cartilage, और यहाँ पे you have the space. तो ये एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं, there is no space as such यहाँ पे, ये actually बहुत इस तरीके से है. So they glide over each other, ये एक plastic मटेरियल की तरह ये बहुत स्मूथली स्मूथ सर्विसेज हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं और आराम से हम जब एक्सटेंशन करना चाहें तो आप आराम से एक्सटेंड कर पाते हैं लिम्ब को, हम जब फ्लेक्स करना चाहें तो फ्लेक्स कर पाते हैं। सो बहुत आराम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जब हम सोचते हैं कि हमें अपने हाथ या पैरों को या नेक को हमें ट्विस्ट करना है, हमें फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करना है, फॉर दैट मैटर्स हाइपर एक्सटेंशन करना है, तो वो सारी चीज़ें इसलिए हो पाती हैं बिकॉज आर बोन्स आर अटैच टू दी जॉइंट्स दी कार्टिलेजेस एंड दे होल्ड दी बोन्स इन अ करेक्ट लोकेशन। ओके डिसलोकेशन एक ऐसा कंडीशन है जब ये बोन जो है अपने एक या दोनों आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस से या जॉइंट से क्या हो जाते हैं, डिसप्लेस्ड हो जाते हैं। तो अगर ये जो बोन है फॉर सम रीज़न if it goes like this, okay, it got displaced, ये तो यहाँ subsequent joints वगैरह से joined रहेंगे, bone अगर यहाँ से किसी भी force की वजह से displaced हो जाते हैं एक end से या मान लीजिए दोनों ही end से displaced हो गए, so this condition is called as a dislocation, okay, so separation of the bone from its joint or articulating cartilages from one or both the ends are called the condition is called as dislocation. Okay, dislocation के कारण it could be same as fracture. जो fracture के underlying causes होते हैं वही causes dislocation की भी रहते हैं, that depends upon the pressure, the force, the condition, the external stimulus कि bone break होगा या bone dislocate होगा, बस उतना सा फ़र्क है, बाकी जो underlying causes हैं वो same रहेंगे। For example, the person has fallen from a particular height, वो गिर गए हैं एक particular एक first floor से second floor of the building कहीं से गिर गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि या तो उनके bone break हो जाए, break हो जाते हैं तो वो fracture कहलाएगा, अगर break नहीं होते हैं और इतना ज़्यादा pressure होता है कि there has been a stretching force तो हो सकता है कि cartilage से bone जो है वो displaced हो जाए। okay, so that will be called as a dislocation. इसके अलावा assault एक reason हो सकता है, the reason can be congenital also, congenital malformations की वजह से भी dislocations होते हैं, pathological factors हो सकते हैं, pathological factors जैसे किसी भी type की बीमारी, बोन ट्यूमर है व्यक्ति को या ऑस्टियोमलेशिया है कि बहुत ज़्यादा वीकनिंग है कि बहुत आराम से क्या हो गए बोन किसी भी पर्टिकुलर फोर्स पे बोन अपनी जगह से क्या है डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ओके सो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, इसके अलावा इट कुड बी रिलेटेड टू एनी एक्सीडेंट्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट हैज़ बीन अप्लाइड, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच कैन लीड टू डिसलोकेशन। ओके नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसलोकेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसलोकेशन कैन बी पेन, ऑफ कोर्स बहुत सीवियर पेन होता है जब बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, साथ ही साथ देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, फंक्शनल डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, क्योंकि जो बोन है ये स्किन बाउंड्री है अगर, और अगर बोन यहाँ पे थे ठीक है, एंड इफ इट इज़ गेटिंग डिस्प्लेस सो इट कैन हैपन दैट यू नो लाइक दिस, सो ऑटोमेटिकली द स्किन
will have a protrusion like this. So this type of protrusion, this type of structural difference that happens from the normal, ये deviation जो हो रहा है, that is called as structural deformity. इसके अलावा functional deformity हो सकता है, क्योंकि normal सी बात है कि अगर bone अपनी जगह से displaced हो गए हैं, तो वो bone, उस bone particular site पे या उसके आसपास की जो joints हैं, उसके आसपास की जो bones हैं, वो जो functions कर सकते थे in a normal sense, वो नहीं कर पाते हैं. तो अगर पैरों में हुआ है, तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, तो that all comes under the functional deformity. Okay. इसके अलावा there could be signs of inflammation. Inflammation में there are वहाँ पे उस site पे hypothermia हो सकता है, उस site पे redness हो सकती है. So these are all the signs of inflammation. इसके अलावा there can be paresthesia. एक तो pain होता ही है, साथ ही साथ decreased, very low sensation या a weakening of the sensation can happen because of the disruption of blood supply. वहाँ पर जो भी blood vessels हैं जो break हो गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि एक तो inflammation हो ही रहा है, pain भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो normal sensation है, like for example आप किसी patient को examine कर रहे हैं, और examine करते वक्त आप उनके bone side को अगर touch करते हैं, तो it's not necessary that the person can feel it. और if the person can feel the sensation, it's not necessary कि वो पूरा उस exact टच को फील कर सकते हैं. सो दैट कम्स अंडर पैरास्थेशिया. ओके, बियॉन्ड दैट देर कुड बी साइंस ऑफ हेमरेज, देर कुड बी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, और इन सब चीज़ों की वजह से देर कुड बी साइंस ऑफ हेडेक, फीवर, अगर इन्फेक्शन हो रहा है डिसलोकेटेड साइट पे. तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो हम बहुत जनरली देखते हैं जिन पेशेंट्स को डिसलोकेशन होता है. ओके, नो नाउ वी कैन टॉक अबाउट दी मेथड्स जिससे हम डिसलोकेशन की साइट को या डिसलोकेशन की डिग्री को एसेस कर सकते हैं. सो दिस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है टू सी फॉर द साइट, टू सी फॉर द एडिमा, टू सी फॉर द हाइपरथर्मिया, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. इसके साथ साथ किस साइट पे कितना ज़्यादा बाहर को डिसलोकेट है, स्किन में कितना स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता कर सकते हैं. अगर कोई फॉल या एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग के द्वारा कि उनको ऐसा क्या पैथोलॉजिकल अंडरलाइंग कॉज रहा है जिसकी वजह से ये सेकेंडरी इंसिडेंस हुआ है डिसलोकेशन का. ओके, सो इसके अलावा बाकी सारे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, जिसमें एक्सरे, सीटी, एमआरआईज कर सकते हैं. एक्सरे, सीटी, एमआरआईज में हमें क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा कि विच बोन, how much the bone has been displaced, what are the injuries that had happened to the site of dislocation. तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट हम प्रोग्रेस करेंगे, तो प्रोग्नोसिस के तौर पर, मतलब एक इवैल्यूएशन के तौर पर हमें पता होना ज़रूरी है कि पहले क्या कंडीशन थी एंड अब बोन अपनी जगह पे आया है या नहीं आया है. सो अ थॉरो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. एक्सेप्ट दिस वी कैन गो फॉर ब्लड एनालिसिस ऑल्सो, जहाँ पे अगर इन्फेक्शन के साइंस हैं तो हम ब्लड कल्चर करके देख सकते हैं. अदरवाइज एक CBC तो ज़रूर किया जाता है ये देखने के लिए कि एट दैट मोमेंट द पेशेंट्स ब्लड काउंट्स आर इधर नॉर्मल और अब नॉर्मल, तो वो देखने के लिए हम ब्लड एनालिसिस करेंगे. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ द डिसलोकेशन. नाउ द लास्ट थिंग इज़ हाउ कैन वी मैनेज द कंडीशन. ओके, मैनेजमेंट ऑफ dislocation can be divided into three. The first thing is reduction, okay, which can be called as manipulation. The second can be medical management. Okay, let's say the second can be immobilization. हम reduction से continuation में immobilization की बात कर लेते हैं. Now the third one is medical management, pharmacological management, and the fourth one is rehabilitation. Okay, so broadly हम dislocation को इन चार criterias में divide कर सकते हैं, moving one after the other. ये जो medical management है, this goes hand in hand सारे process में, all throughout जब से patient को dislocation हुआ है तब से लेकर rehabilitation तक pharmacological therapy तो चलती ही है. इसके अलावा बाकी चीज़ें sequence में जाती हैं. First we do a reduction procedure, then we do a immobilization procedure, then we will go for the tips for rehabilitation. Okay, so reduction
में बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, ओपन रिडक्शन हो सकता है, क्लोज रिडक्शन हो सकता है. ओपन रिडक्शन जब हम स्किन में कट डालकर हम बोन को विजुलाइज कर हम बोन के सारे जो भी यहाँ पे फ्रैक्चर तो है नहीं, दिस जस्ट अ डिसलोकेशन, तो जो भी डिसलोकेशन हो चुका है, जो एंगल से डिविएट हो चुका है बोन, उसको वापस कार्टिलेज की तरफ रखना और उसके बाद उस बोन को मतलब उस स्किन को क्लोज कर उसको क्या करना, रिड्यूस करने की कोशिश करना, दैट इज़ ओपन रिडक्शन. क्लोज रिडक्शन वो होता है जब हम स्किन में इंसिशन नहीं करते हैं, जब हम कुछ भी ओपन प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं. जैसा आपको पेशेंट मिला है एट द पॉइंट ऑफ डिसलोकेशन, आप उसको वहीं पे क्या कर रहे हैं, बाहर से कोई अप्लाइंट यूज़ कर रहे हैं जिससे आप कोशिश कर रहे हैं कि उसी पोजीशन पे रहेंगे तो वापस वो जो बोन है अपने कार्टिलेज की तरफ आ जाएंगे. सो व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोसीजर फ्रॉम आउटसाइड द स्किन, दैट इज़ द क्लोज रिडक्शन. व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोसीजर बाय कटिंग आउट द स्किन एंड डूइंग अ मैनिपुलेशन, देन दैट इज़ एन ओपन रिडक्शन. ओके, सो ये हुए रिडक्शन या मैनिपुलेशन. नेक्स्ट वन इज इमोबिलाइजेशन. इमोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द रिडक्शन प्रोसीजर, क्योंकि इमोबिलाइजेशन के दौरान ये ज़रूरी है कि पेशेंट का वो लिम्प या वो एक्सट्रीमिटी या वो पार्ट, इट कुड बी नेक, इट कुड बी क्रेनियम, सो वो जो पार्ट है जो भी डिसलोकेट हुए हैं वो हिलने नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि द कॉन्स्टेंट मूवमेंट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ डिसलोकेशन, उसकी वजह से पेशेंट का जो बोन है वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ जॉइन नहीं होंगे, जॉइन नहीं होंगे तो न्यू बोन टिश्यूज़ नहीं फॉर्म होंगे. ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि ये एक ही जगह पे, जैसे ये दो साइड्स हैं तो ये जुड़े रहेंगे तभी वहाँ पे न्यू बोन टिश्यूज़ बनेंगे, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे, एंड उसी से वापस क्या होगा, वो जो क्रैक है, जो डिसलोकेशन है, इफ़ इट इज़ अ फ्रैक्चर और इट इज़ अ डिसलोकेशन, दोनों के लिए दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये इमोबिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है. एक्सटर्नल जो इमोबिलाइजेशन किया जाता है, दैट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ कास्ट, जिसको प्लास्टर कहा जाता है, इट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ बैंडेजेस. इंटरनल जो इमोबिलाइजेशन, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फिक्सेटर्स, जिसको हम स्प्लिंट कहते हैं, जिसमें स्क्रूज वगैरह यूज़ किए जाते हैं टू फिक्स द स्किन एंड द बोन ऑल टुगेदर. ओके, देन अप्लाइंग अ ट्रैक्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमोबिलाइजेशन. मेडिकल मैनेजमेंट में द पर्सन कैन बी गिवन एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स अगर अभी तक इन्फेक्शन नहीं है तो भी. द पर्सन कैन बी गिवन स्टूल सॉफ्टनर्स टू रिड्यूस द प्रेशर दैट कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन. द पेशेंट हैज़ टू बी गिवन प्रॉपर IV फ्लूइड. द पेशेंट कैन बी गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑल्सो इफ देयर वॉज अ हेमरेज. डिसलोकेशन में हेमरेजेस के जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि फ्रैक्चर में जो हेमरेज है वो बहुत हाई डिग्री पे हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट. एंड द लास्ट थिंग इज़ रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन में जब पेशेंट में हम देखते हैं कि वापस बोन अपनी जॉइंट के साथ फिक्स हो गए हैं, तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, या पेशेंट को हमने जो भी एप्लीकेटर्स यूज़ किए थे वो सब कुछ हम हटा सकते हैं. अगर इंटरनल फिक्सेटर्स यूज़ किए थे तो हम हटा सकते हैं, रॉड्स या प्लेट्स लगाए गए थे तो वो हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कुछ एडवाइसेस देने पड़ते हैं, लाइक कि कुछ ऐसे डिवाइसेस की हेल्प से थोड़े दिनों तक चलने का एडवाइस, जो उनके लिम्ब को, उनकी बॉडी को सपोर्ट कर सकें, कुछ एप्लीकेटर्स यूज़ करने का एडवाइस जिससे उनकी जो बॉडी है उसमें एक सडन ट्विस्ट या सडन टर्न वगैरह ना आए. साथ ही साथ हम एडवाइस करते हैं कि वो बहुत स्लो चलें, क्योंकि अभी अभी एक इंजरी हुई है, इंजरी अभी हील हुआ है, इट्स इन अ रॉ फेस, तो तुरंत में अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है उनकी बॉडी पे, उस पर्टिकुलर साइड पे, तो हो सकता है कि री इंजरी हो सकता है. ओके, सो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी एडवाइज़ द पेशेंट टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द रिहैबिलिटेशन फेज. सो अगर ये चार फेजेस बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है तो जो डिसलोकेशन है वो हम ट्रीट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसलोकेशन. आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.